Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Now see what happened next. Water when he saw a little child on a rock ahead of him. The child was lying lifeless, its lips parched and burning. Ignoring the child, Hans drank some water, more water himself, and passed on. Okay. Parched means very dry. Okay, what happened next? जब वो जा रहा था उसको वहाँ पे क्या दिखाई दिया? A child, okay? जो child था उसको बहुत ही प्यास लगी थी, फिर भी उसने उसको ignore किया और वो आगे चल रहा था, Hans. Now see what happened next. The climb had now become very, very difficult. Somehow Hans reached the top of the mountain from where the golden river sprang. A faint cry fell on his ears. Then he saw a weak old man stretched on a rock. Water, the man said, water, I am dying. Now see what happened next. जब वो जा रहा था तो उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था माउंटेन को क्लाइम करना, तो वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई दी उसको, तो उसने देखा कि एक ओल्ड मैन है और वो वाटर के लिए उसको बोल रहा है. आई हैव नो वाटर फॉर यू, रिप्लाई हैंस. ही जम्प्ट ओवर द ओल्ड मैंस बॉडी एंड रैन टू द रिवर. द सन वॉज अबाउट टू सेट. द रिवर शोन गोल्डन इन द लाइट ऑफ द सिटिंग सन. Hans threw the flash of holy water into the river, but alas, the river did not turn to gold. Instead, there was only a black stone where Hans stood. Okay, देखो क्या हुआ यहाँ पे. वो उसको किसी को भी उसने वाटर न देके वो आगे आगे जा रहा था, और फिर जब वो गोल्डन रिवर के पास पहुँचा और उसने उसमें जो वाटर था उसको डाला, फिर भी वो जो रिवर थी वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई. ओके, नॉट टर्न टू गोल्ड. इंस्टेड देयर वॉज ओनली, उसमें वहाँ पे सिर्फ ब्लैक स्टोन का ही, ब्लैक स्टोन ही हो गया वहाँ पे, कुछ भी गोल्डन रिवर नहीं कन्वर्ट हो गया. व्हेन स्वैट्स रिटर्न फ्रॉम प्रिजन, ही टूक सम ऑफ क्लर्क्स मनी एंड बॉट सम होली वाटर फ्रॉम अ बैड प्रिस्ट. ओके, एंड सेट आउट फॉर द गोल्डन रिवर. जब स्वैट्स, जो आपको पता है उसको पुलिस ने पकड़ के लेके गए थे, वो जब बाहर आया तो उसने क्या किया, जो क्लर्क था उससे भी मनी लेके वो जो एक बैड वाला प्रीस्ट था, ओके, बैड प्रीस्ट मीन्स वेरा बुरा वाला जो प्रीस्ट था उसके पास गया, और उसने क्या किया उसने ये ले लिया, होली वाटर जो था उसने उससे ले लिया. ओके, now see what happened next. While climbing the mountain, Swats too saw the fair child dying of thirst and passed on without giving him water. उसके साथ भी वही हुआ, उसको एक child मिला, फिर भी उसने उसको भी पानी नहीं दिया. As he had climbed a little hunger, he saw his own brother Hans stretch on a rock asking for water, but the weak Swats only laughed aloud and went on without giving him any water. Alas, when he cast the flag into the stream, he too was turned to stone. Okay, उसको आगे जाके उसका जो ब्रदर था हैंस था वो मिला, वो भी बोल रहा था मुझे पानी दे दो, फिर भी उसने उसको नहीं दिया और वो आगे चला गया. ओके, और उसको वो फिर स्टोन में कन्वर्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट, क्लर्क वेटेड एंड वेटेड फॉर हिज ब्रदर, बट दे डिड नॉट रिटर्न. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू विजिट द गोल्डन रिवर हिमसेल्फ. ही वेंट टू अ गुड प्रीस्ट हु विलिंगली गेव हिम सम होली वाटर. जब क्लर्क ने वेट किया कि अपने ब्रदर अब तक नहीं आ रहे, तो उसको वो परेशान हो गया और वो ब्रदर को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा वो माउंटेन के वहाँ पे, और उसने एक गुड प्रीस्ट से थोड़ा होली वाटर भी ले लिया था. क्लर्क वॉज यंग एंड स्मॉल एंड ही टू फाउंड द क्लाइम वेरी डिफ़िकल्ट. क्लर्क तो छोटा था, सबसे छोटा था, तो उसको भी बहुत डिफ़िकल्ट लगा जब वो क्लाइम करने लगा माउंटेन को. आफ्टर ही हैड क्लाइम फॉर एन आवर और सो, ही बिकेम वेरी थर्स्टी. ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक सम वाटर वेन लाइक हिज ब्रदर ही सॉ एन ओल्ड मैन. तो उसको भी जब एक घंटा हो गया क्लाइम करके, तो वो बहुत ही थर्स्टी हो गया और उसको वो पानी पीने के लिए पानी पीने वाला था, तभी उसको एक ओल्ड मैन वहाँ पे दिखाई दिया. द ओल्ड
man walked towards clerk leaning on a staff and asked for some water. Clerk saw that the old man was pale, tired and thirsty, so he gave him the bottle of water. The old man drank up nearly two-third of the water. Then he returned the bottle and wished clerk well. Okay, तो उसने उसको old man को clerk ने पानी दिया और फिर उसने two-third जो water था उसने वो पी लिया old man ने, और उसको बहुत ही अच्छे से विशेष दे के clerk को बहुत ही अच्छा वाला विशेष wish उसको दे दिया. Okay, best of luck जिसको हम बोलते all the best ये उसको दे दिया. Clerk did not have any water himself, but as he went on his path become easier after climbing for a long time. When he become thirsty, he saw the small child. Clerk was sorry for him and gave him some water. The child began to smile, got up and ran down the hill. उसके आगे जाने के बाद उसको भी वापस, उसको thirsty था वो clerk, पर उसको वहाँ पे कौन दिखाई दिया, a small child दिखाई दिया. उसने उसको भी पानी दिया और वो पानी देने के बाद वो स्माइल करके वो चाइल्ड, स्मॉल वाला चाइल्ड रन अवे हो गया, वहाँ से भाग गया. नाउ ओनली अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर वेयर लिफ्ट इन द वाटर. व्हेन क्लर्क केम क्लोज टू द माउंटेन टॉप, ही वॉज वेरी थर्स्टी हिमसेल्फ. जस्ट देन ही सॉ द पुअर लिटिल पप दैट वॉज डाइंग ऑफ थर्स्ट. आई मस्ट हेल्प इट नाउ थ्रू clerk, otherwise it may be too late. So he poured the remaining drops into the little dog's mouth. आगे जाने के बाद उसको क्या कौन दिखाई दिया, माउंटेन के टॉप में वो वहाँ पे गया और वो उसको एक वहाँ पे पप्पी जो दिखाई दिया, जो बहुत ही थर्स्टी सा, अगर उसको पानी नहीं मिलता वो डाय हो जाता. तो उसने क्या किया, जो थोड़ा बहुत उसके पास जो ड्रॉप था उसने वो डॉग के माउथ में डाल दिया. द डॉग स्प्रैंग अप एंड इन हीज place stood in the king of the golden river. He was very pleased with clerk. The king put in clerk's bottle some drops, dew drops from the petals of a lily. Then he told clerk to cast it into the leaping river. फिर जब उसने जो डॉग था जिसको पानी दिया था पप्पी को, तो वो गोल्डन किंग था, तो वो बहुत ही खुश हो गया. क्लर्क ने जो जिसको जिसको पानी दिया तो वो बहुत ही खुश हो गया और उसने अपने पास जो लिली पेटल्स के उसके ऊपर जो ड्यू ड्रॉप थे, जो थोड़े थोड़े बूंदे थी, वो उसने क्लर्क को दे दिया और बोला ये रिवर में अभी ये पानी डाल दो. क्लर्क डिड सो बट द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड. हाउएवर इट चेंज इट्स कोर्स एंड बिगेन टू फ्लू थ्रू द ट्रेजर वैली, मेकिंग इट रिच एंड फर्टाइल वंस अगेन. Clerk lived in the valley helping the poor and the needy. His barns were always full of corns and he never lacked for money. Okay, now see here student, what happened? जब उन्होंने वो पानी clerk ने जो वो पानी river में डाला तो वो golden river में नहीं convert हो गया, पर जो वो जो पानी उसका था जो वैली में नहीं गिर रहा था, अभी वो पूरा पानी वैली में गिरने लगा. और बिकॉज ऑफ दीज द गोल्डन वैली बिकम वेरी फर्टाइल वैली, वहाँ पे अच्छे से क्रॉप्स आने लगे, कॉर्न्स आने लगे और वो पूरा हरा भरा एरिया वापस बन गया, जिसकी वजह से वो पूरा जो एरिया था वो अच्छे से लगने लगा और पूरा खुशियाँ उस पर वापस आ गई. और जो क्लर्क था वो वहाँ पे वैली में रहने लगा और वो हमेशा की तरह पुअर पीपल को, नीडी पीपल को हेल्प करने लगा, और उसकी वजह से उसको आगे जाके पूरा ये अच्छे से क्रॉप्स होने के लिए उनको कभी भी मनी की जो थी, हम बोलते हैं शॉर्टेज, कभी भी उसको नहीं हुआ और वो अच्छे से वो वैली में रहने लगा. ओके स्टूडेंट, नाउ सी स्टूडेंट, दिस लेसन इज़ हैविंग टू पार्ट्स. ओके, सो रीड द लेसन केयरफुली. दिस इज़ द वेरी गुड लेसन टू give you the practice of reading. Okay, different types of new words coming in this lesson, so read it carefully. Okay, thank you.